आज बेटा पानी का एक कटोरा छत पर रखकर एक सेल्फी लेता है। उस सेल्फी से एक पोस्ट बनाता है कि आजकल गर्मियाँ बहुत हैं, इन गर्मियों में पंछी जो बेचारे बेजुबान हैं, पानी भी नहीं मांग सकते, उनके लिए छतों पर पानी का एक कटोरा जरूर रखें ताकि इस गर्मी में वो अपनी प्यास बुझा सकें। इस पोस्ट के साथ वो बेटा 50 लोगों को टैग करके इस पोस्ट को फेसबुक पर शेयर कर देता है। इसके बाद उस पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स की जैसे बारिश ही हो जाती है। लाइक्स पे लाइक्स हैं, कमेंट्स पे कमेंट्स हैं। बहुत सारे लोगों को उनकी ये सोच बड़ी अच्छी लगी। कमेंट्स आ रहे हैं, बेटा जितने कमेंट्स आते जा रहे हैं, बेटा नशे में चूर होता जा रहा है। उसे अच्छा लग रहा है कि समाज में उसकी छवि बड़ी अच्छी बन रही है। और उसी नशे में जब वो छत से नीचे आता है तो बीमार पड़ी उसकी माँ उसे बोलती है, बेटा प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, पानी का एक गिलास तो दे दे बेटा। जब बीमार माँ ये शब्द उस लड़के को बोलती है तो बेटे को लगता है कि मानो उसे नई नवेली मिली खुशी मानो उससे छिन रही हो। झल्लाते हुए बोलता है, घर में कोई और दिखाई नहीं देता क्या आपको? मैं ही मिलता हूँ क्या? जब देखो मुझे ही बोलते रहते हो, पानी का एक ग्लास भरकर भी नहीं पी सकते, मेरे पास टाइम नहीं है, अपने आप भरो और पियो। माँ बीमार थी, उठ भी नहीं पाई, पानी नहीं पी पाई। इस कहानी के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हम समाज के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, समाज में हमारी छवि खराब ना हो। इस कहानी का दूसरा पहलू ये है कि उसी अच्छा बनने की ख्वाहिश को धूमिल करती हुई वो सच्चाई है जो समाज के सामने से पड़े पर्दे को बिल्कुल हटा देती है, जो ये बता देती है कि हम पंछियों को तो पानी पिला सकते हैं लेकिन माँ बाप को नहीं। इसी बात को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने अपने 332वें अंक में इस तरह से लिखा है, जीवत पितर न माने को मुवे सिराध कराई। यानी आदमी जब उनके बुजुर्ग उनके माता पिता जिंदा होते हैं तब उनकी कोई सेवा नहीं करते, उनकी कोई देखरेख नहीं होती, उनके लिए वृद्ध आश्रम बना दिए जाते हैं, उनको घरों से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन वही माता पिता जब मर जाते हैं तो उनकी याद में कौवों को खाना खिलाया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि कौवों का खाया हुआ ये खाना माता पिता के पास पहुंचेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने 800-400 साल पहले ही बता दिया था। समाज वैसे का वैसा ही है, जैसा आज से पहले था आज भी वैसा ही है। दिखावा पहले भी होता था आज भी होता है, लेकिन इस समाज के डर ने, इस समाज में रहकर हम लोग अपने बुजुर्गों का सत्कार करना भूल गए। आगे डर है कि सोशल मीडिया में अपना प्रचार करने के लिए, अपनी छवि को चमकाने के लिए, अपनी छवि को पॉलिश करने के लिए हम कहीं ऐसा ना हो कि मरी हुई माता के साथ या मरी हुई पिता की बॉडी के साथ अपना टेढ़ा मुंह बनाकर सेल्फी खींचें और उस पर लिखें फीलिंग सैड वाली इमोजी लगाकर उसको हम पोस्ट करें, समाज को बताएं कि हम इतना दुखी हैं। कहीं ऐसा ना हो। सोशल मीडिया है तो कुछ भी संभव है। छत पर पानी रखना अच्छी बात है, आप रखिए, आप उसके साथ दाने भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर में बैठे उन बूढ़े पंछियों का भी ध्यान रखिए जिन्होंने आपको इस लायक बनाया है कि आप पंछियों को पानी देने की अपील फेसबुक पर कर सकें, इस लायक आपको बनाया है, पानी डालने की अपील करने के लायक आपको बनाया है। जरा उन पंछियों का भी ध्यान रखें, उन बूढ़े माता पिता का भी ध्यान रखें। बूढ़े माता पिता दुनिया में कभी दोबारा नहीं मिलते। थैंक यू।